और पाकिस्तान वालों, ससुरी वालों, शर्म आ रही है या नहीं आ रही? हमारी टीम ने भी आज ठोक डाला ना, बोला था हल्के में मत लेना, अब वर्ल्ड कप जीत लिया आप लोगों ने, जाओ टाइम से मुल्क अपने देश को लौटो। अरवाइन बुरादर, इनको एक एक लॉलीपॉप देते हैं, खाली हाथ जाते हुए ससुरी वाले अच्छे नहीं लगेंगे। एक एक लॉलीपॉप ले जाना हमारी तरफ से, याद दिलाना जब जाना हो। अभी लगता है बचे हुए मैच खेलेंगे और बेइज्जती करवाएंगे। हाँ विलसमन भैया, आपने 30-35 रन बनाए लेकिन वो काम कर गए सिकंदर रजा ने। बैटिंग तो बढ़िया नहीं किया, 3 विकेट चटका के पाकिस्तान वालों को धूल चिटा दी। सिकंदर रजा भैया आ जाओ, साइड पे हो कहीं। अरवाइन भैया, हम इधर बैठे हुए हैं खुले माहौल में, नवाज के साथ हवा लग रही है, उधर घुटन हो रही थी मेरे को, तुम इधर इनकी बेइज्जती करो, इधर मैं नवाज को देखता हूँ ससुरी वाले को। अबे चुप ससुरी की, सिकंदर रजा तुमको जरा शर्म लाज नहीं आती? तुम पाकिस्तानी होकर हमारी 3 विकेटें उड़ाकर यार हमको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। ससुरी वाले कुछ शर्म कर लेता, काहे को विकेटें ली यार, खाना खराब कर दे हमारा। अबे चुप करता नवाज, हम मेहनत और ईमानदारी से खेले, हम जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं तो उनकी तरफ से खेलेंगे। ससुरी वाले तेरे को किसने बोला था आउट हो, लगा लेना था छक्का। ससुरी वाले खेलना आता नहीं, खामखा आ जाते हो खेलने। देखो देखो अब ससुरी वाले कैसे बहाने बना, ये तो ससुरी वाले अभी तक कुछ बोल नहीं रहे, लगता इनको सांप सूंघ गया है। उधर नवाज जरूर उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, अब जितने मर्जी बहाने बना लो, तुम लोगों ने हमको हल्के में लिया था ना। अबे चुप करो ससुरी वालों, केवल 1 रन से जीते हो, खामखा दिमाग खराब कर रहे हो। ये तुम्हारी टीम की कोई फॉर्म नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। हमारे बल्लेबाज ने जब जब शॉट लगाने की कोशिश की, वो ससुरा कैच आउट हो गया। बाबर भैया, ये हमारे साथ आज बहुत बुरा हुआ यार, आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो, नीचे के भरोसे छोड़ देते हो, नीचे वाले अब कितना खेलेंगे, हमने तो बहुत मेहनत की, 2 रन ले लें आखिरी गेंद पर, लेकिन रन आउट हो गया वो शाहीन। हाँ वसीम भैया, आपने 4 विकेटें ली, मैंने 3 विकेटें ली, लेकिन अपने बल्लेबाजों ने इतना गंदा बैटिंग करके सारा उस पर पानी फेर दिया। नवाज को देख लो, जिस टाइम जरूरत स्ट्रोक की उस टाइम ससुर का नाती कैच आउट हो गया। हाँ बाबर भैया, अब क्या करें, हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के कोई चांस है या नहीं? मैं यार बढ़िया खेल रहा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अंतिम तक मैच को एंड नहीं कर सका, मैं भी आउट हो गया। अंतिम तक खड़ा रहता मैं जरूर मैच जितवा लेता। अबे चुप करो ससुरी वालों, खामखा अब दिमाग नहीं खराब करो, अब सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है, बस ऊपर वाला कोई करिश्मा कर डाले कर डाले, बाकी अब चुपचाप मेरी बात मानो, बचे हुए मैच खेलते फिर जाने की तैयारी करते हैं, और क्या करना है। और पाकिस्तान वालों टेंशन मत लो, सेमीफाइनल में तो नहीं जाओगे, वर्ल्ड कप की जगह हमने आपको पहले बोला है ना, जाते समय हमको याद दिलाना, हम सबको एक एक लॉलीपॉप देंगे, उसे वर्ल्ड कप ही समझना। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप पता नहीं इन्होंने जीतना था या नहीं जीतना था, लेकिन अब हमारी तरफ से इन सब प्लेयरों को एक एक लॉलीपॉप मिलेगा, कैसा लगेगा भाइयों। केवल फनी वीडियो थी, वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।